अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आज है शुभ रात, है ना, तो आज मैं रेसिपी भी शूट कर रही हूँ और एक ब्लॉग भी छोटा सा बना रही हूँ ना। हाँ। शुभ रात में मैं अपने घर में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो जैसे कि हम लोग सुबह में उठे, सुबह में उठने के साथ में हम लोगों का हो गया नाश्ता वगैरह, है ना। हम लोग नाश्ता विश्ता कर लिए, क्या खाए थे आज, जो रात का मछली का सालन बचा था वही खाए। उसके बाद में फिर चाय ब्रेड वगैरह जो था वो सब खा लिए ना। उसके बाद में फिर जुम्मा था, तो जुम्मा तो रात का खाना बचा था, कल के मैंने जल्दी खाने को नहीं बनाया ना। ये फातिया तो मुझे शाम में दिलानी, 6-7 बजे तक, 7 बजे थे मगरिब के पहले। क्या पानी की वजह चुलचुल हो रहा है, आवाज आ रही चुलचुल की। और हमारे इधर होली भी है आज, तो होली है तो पूरी एरिया में होली चालू है। उधर पे डीजे भी लगा हुआ है, आवाज आ रही है आप लोगों डीजे की। आ रही है क्या? तो अभी उसके बाद में जुम्मा थी, सब लोग नहाए धोए, मैं भी नहाई धोई, उसके बाद में सब नमाज वगैरह पढ़ ली है। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद में फिर जो खाना था, जो रात का ही बचा हुआ था, मच्छी का सालन और खिचड़ी, वो हम लोगों ने फिर खाए खाए, है ना, वो खाए। अभी मैं खड़ी हो गई हूँ, 4 बज रहे पकाने, खड़ी हो रही हूँ फटाफट से। मेरा 6:30 बजे तक का खाना रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना। तो क्या बना रही हूँ आज, मैं बना रही हूँ मसाले वाला पुलाव, यानी उसे तहारी भी बोलते हैं, जो जल्दी बन जाती है ना, क्योंकि आज मेरे पास में टाइम कम है क्या कोई और रेसिपी बनाने के लिए। और उसके साथ में बनाऊंगी मैं सूजी यानी रवा, रवे का हलवा, है ना। तो जैसे कि मैं आज बना रही हूँ 1.25 किलो गोश्त का तहारी और 1.25 किलो रवे की, 1.25 किलो रवे का हलवा, है ना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को काफी सब पूरा वीडियो भी बनेगा, रेसिपी बनेगी, इसके अंदर फातिया दिलाएंगे। आज इन लोग कितने बजे कब्रिस्तान के लिए निकलेंगे, आसान भी हो रही है ना, आसान के बाद बात करते। तो चलिए यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे मैंने गैस ऑन कर दी, उसके ऊपर रखी हूँ एक टोप। टोप में मैंने डाली हूँ 6-7 चम्मच तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे साबुत अक्के गर्म मसाले, यानी जीरा, शाह जीरा और बाकी अक्के सारे गर्म मसाले, है ना। अभी इसके अंदर मैं डाल लूँगी 5 मीडियम साइज़ की प्याज कटिंग की हुई, या आप अपने मर्जी के हिसाब से इसे कटिंग कर सकते हैं ना। अभी क्या करना है, हमें प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुए तक इसे फ्राई कर लेना है, यानी प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए ना। तो जैसे कि इसमें मैंने डाली लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिरी और तेज़पत्ता डालना भूल गई मैं, है ना। तेज़पत्ते का डब्बा निकाल के दे बोली थी, मगर आसिफ ने भूल गया, नहीं निकाला। अभी इसमें डाल दूंगी मैं 1.25 किलो गोश्त। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से धो ली हूँ। तब ये गोश्त डालने के बाद में मैं इसे मीडियम गैस पे रखूँगी और इसे 2 मिनट का अच्छे से तेल में फ्राई कर लूँगी, है ना। और ये वाली जो ये बना रही हूँ, तहारी बना रही हूँ, ये सिंपल और ईजी है। और जैसे कभी भी आपको कुछ काम रहता है और कुछ अच्छा बनाकर खाना होता है तो आप इस तरह की रेसिपी बनाकर खा सकते हैं, बराबर ना आसिफ, है ना। और आज मेरे पास में टाइम कम था, मुझे बनाना था दाल गोश्त, मगर मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम कम की वजह से मैंने इसे बना दी तहारी, है ना। तो चलिए अभी मैं इसमें डालूंगी 6 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर मैं तहारी में कभी भी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, इसलिए कि मुझे थोड़ी तहारी खट्टीपन में जब रहती है ना तो अच्छी लगती है। अभी इसके अंदर डालेंगे 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से वाटी को साफ करके डालिए, कुछ भी वेस्ट मत कीजिए ना। अभी इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, तो 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच बड़ी सोप पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बराबर आसिफ, बराबर है ना। तो चलिए अभी ये सब डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी दही। तो 1/2 वाटी दही डाल रही हूँ मैं, है ना। दही थोड़ा ज़्यादा खट्टा वाला मत लेना, थोड़ा कम खट्टा वाला लेना तो अच्छा लगेगा। तो चलो वाटी धो के अभी पानी भी मैंने इसमें डाल दी। अभी इसमें डालूंगी 1/2 लींबू का रस। अभी आप लोग बोलेंगे इतना सारा टमाटर, दही और लींबू, ये तो बहुत खट्टा हो जाएगा। बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार आप ज़रूर ये स्टाइल में बना कर देखना, आपको पता चलेगा कितना बेहतरीन बनेगा ना। तो चलिए अभी हम गैस को मीडियम रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एकदम खूब अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे रख देंगे 20-25 मिनट के लिए गोश्त गलने के लिए। बीच बीच में हम 2-3 बार इसे चम्मच भी मारते रहेंगे, चेक भी करते रहेंगे ना।
इसमें क्या करेंगे, हम गोश्त को भी गला लेंगे और हमारा मसाला भी भुने जाएगा। तो चलिए एक तरफ मैं क्या करती हूँ, एक तरफ बना लेती हूँ हमारा रवा यानी सूजी, सूजी का हलवा। तो चलिए इधर पर भी मैंने एक टोप रख दी हूँ बड़ा सा, मैंने लेके आई थी 1.25 किलो डालडा। 1.25 किलो में से मैंने समझ लीजिए आधा किलो डालडा मैंने इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि मैं 1.25 किलो का रवा बना रही हूँ। तो चलिए अभी डालडा डालने के बाद क्या करेंगे, डालडे को अच्छी तरह से पिघलने देंगे। पिघलने के बाद मैं आगे का काम करें, इतना डालडा बच गया मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। माशाल्लाह मैंने बुचरा भी बहुत ही अच्छा पानी और बहुत सूट होता है मुझ पर ऐसा वाला बुचरा, है ना, हम लोग इसे जूरा भी बोलते हैं बुचरा भी बोलते हैं ना। तो चलिए डालडा अभी अच्छी तरह से पिघल चुका है, अभी हम इसमें क्या करेंगे, सारी सूजी डाल देंगे, है ना। ये 1.25 किलो सूजी, आज मैं आपको 1.25 किलो का बता रही हूँ, एक ही बार बोल रही हूँ, बार बार 1.25 किलो बोलने वाली नहीं। तो चलिए अभी ये रवा डालने के बाद में हम रवे को अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस को स्लो फास्ट आपको करते रहना है बार बार, है ना, और हाथ रुकाना नहीं है, चम्मच बार बार मारते रहना है ना। तो चलिए चम्मच को मारते हुए कलर सूजी का कलर हम चेंज कर लेंगे अच्छी तरह से। हमारी सूजी बिल्कुल भी नीचे जलनी नहीं चाहिए, सूजी और रवा एक ही होता है ना। कभी मैं सूजी बोल रही हूँ, कभी मैं रवा बोल रही हूँ, है ना। तो चलिए दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे गोश्त का क्या हाल है। तो माशाल्लाह गोश्त तो अच्छी तरह से गल चुका है, मसाला भी अच्छी तरह से भुने गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 लीटर पानी, है ना। अभी 2 लीटर पानी डाल दिए, अभी पानी को आने देंगे अच्छी तरह से उबाल। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे चावल धोके। तो मैं कितना चावल यूज करूंगी, 1.25 किलो गोश्त के लिए मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल करूंगी, है ना, क्योंकि चावल पक के फूल जाता है और ज्यादा हो जाता है। उसमें मैं डालूंगी 1.25 किलो बटाटा भी डालूंगी, है ना। अगर आपको पसंद है तो बटाटा डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते। तो मैंने इधर पे 4 बटाटे ली हूँ, बीच में से कटिंग करके छील लेना और बीच में से कटिंग कर लेना और बटाटे भी डाल देना है। अभी 1 उबाल आए तक आपको इंतजार करना है, उसके बाद में बाकी का काम करेंगे। मैं दोनों तरफ ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि हो गई थी असर की अजान हो गई थी और मुझे हो रही थी घाई। क्यों बताए, आज के दिन कैसा होता है ना, शुभ रात के दिन फातिया देने वाले जल्दी नहीं मिलते, और जो हमारे जनाब जी लोग होते हैं उन लोगों को भी टाइम नहीं रहता, है ना। तो चलिए इधर पे मैंने कोलम चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो, मैंने इसे अच्छी तरह से धो ली हूँ। धोने के बाद में डायरेक्ट ही मैं इसमें डाल लूंगी, है ना। अब पानी तो मैंने 2 लीटर इस्तेमाल किया, अभी आपके चावल के ऊपर जजमेंट है कि आपका चावल कितना पानी को सोखता है ना। अगर आपको लगा कि हमारा चावल में और पानी लगेगा तो आधा गिलास पानी और डाल देना, कोई बात नहीं। नमक एक बार चख लेना कम या ज़्यादा, मगर अभी इस पर फातिया देना इसलिए मैं चखूंगी नहीं, मुझे जजमेंट है इसलिए मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा, है ना। अब बीच में कुछ बात करूँ, इधर अशरफ आके बीच में मुझे बहुत सता रहा था, है ना, उसके भाई का कुर्ता, हाँ तारी के बारे में भी गुस्सा कर रहा था, और उसके भाई का कुर्ता इस्तरी में देने के लिए बोली तो नहीं दे रहा था, बोलता था मैं बार बार दुकान पे जाऊँगा, क्योंकि बच्चा मेरा 2 से 3 बार 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 दुकान पे जा के ये वो सामान ला रहा है ना। तो चलिए इसमें डाल लेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना। और अशरफ को आज तारी नहीं खाने का था, दाल गोश्त खाने का था, मगर तो देख लिया कि मम्मी ने तारी बना ली है तो चिल्लाने लगा मम्मी मुझे दाल गोश्त चाहिए। तो इंशाल्लाह कल संडे बच्चे के लिए जरूर दाल गोश्त मैं कल बनाऊंगी, है ना। तो चलिए अभी इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। ये जो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, एकदम फीकी वाली है। तो चलिए अभी ये सब डालने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को एकदम मीडियम पे रख के हम ढक के इसे पका लेंगे। कम से कम हम इसे 10 मिनट तक का पकाएंगे, बीच में 1 से 2 बार हम इसमें चम्मच भी मारेंगे। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच भर के गुलाब का, नहीं, एक केवड़ा एसेंट, ये वो केवड़ा एसेंट है जिसे मैं अजमेर से लेके आई थी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू है और ये डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ना, आपको यहाँ पर बॉम्बे में भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी इसे ढक देते और इसे पकने देते, अभी हम जाते हैं रवे की तरफ, है ना, क्योंकि अभी रवा भी बनाना बाकी है ना। मैंने यहाँ रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई। तो चलिए इसे अच्छी तरह से भून रही हूँ मैं, भुने गया है क्या नहीं गया देख लेते एक बार हम। तो माशाल्लाह अच्छी तरह से भून के हो चुका है, अभी इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट आप अपने मर्जी के हिसाब से डालिए, जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मैंने रखी हूँ 2 लीटर पानी गर्म के लिए, गर्म को रखी थी, उसके अंदर मैंने डाली थी अपनी मर्जी का फूड कलर। अभी आपको जो फूड कलर पसंद है वो फूड कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये कौन सा कलर था सिर्फ? येल्लो कलर मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर बनाए, हाँ पाइनएप्पल फ्लेवर बनाए थे, मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने ये कलर का डाली। तो 2 लीटर मैंने गर्म की थी, मगर उसमें से आधा लीटर पानी बच गया है ना, यानी कितना गया, 1 और आधा,
है ना, डेढ़ लीटर पानी इसके अंदर गया। अभी ये मैंने डाल दी पानी, मिक्स कर दी। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी, मैंने 1.25 किलो शक्कर लाई थी। जैसे कि हम 1.25 किलो रवा लेते हैं तो 1.25 किलो शक्कर डालने का बरोबर को बरोबर डाला जाता है, क्योंकि रवा बनने के बाद में फूल जाता है ना। तो मैंने फिर भी इसमें से थोड़ा सा 1.25 किलो बचा ली, यानी 1 किलो ही मैंने डाली है ना। तो चलिए अभी ये सब डालने के बाद में हम मिक्स करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा इलायची पाउडर, है ना, हल्का सा नहीं, 1 चम्मच भर के डालना, चलिए, है ना, क्योंकि हमारी रवा जो है वो ज़्यादा है। खांसी भी आने लगी। अभी इसमें डालूंगी मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का एसेंस, है ना, तो वो मैं डालूंगी 1 चम्मच, है ना। इससे क्या होगा, पाइनएप्पल की खुशबू आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास में पाइनएप्पल भी है तो आप इसके साथ में बारीक बारीक कटिंग करके इसमें पाइनएप्पल भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। मगर मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने लेके नहीं आई और ऐसे ही मतलब बना दिए ना। तो चलिए अभी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हम 2 मिनट तक का पकाएंगे, उसके बाद में गैस को कर देंगे बंद। तो चलिए एक तरफ मैंने ये भी दम पे रख दी हूँ और वो भी पक गया है। दोनों चीजें अभी पक चुकी है हमारी। अभी हम लेते हैं फातिहा। हम दिखाए नहीं पाए क्योंकि मगरिब का अजान हो गई थी और इन लोग बच्चे लोग सब नमाज चले गए थे और मुझे भी नमाज पढ़नी थी ना। तो चलिए अभी मगरिब की अजान के बाद में हमारे उधर जनाब जी आए, तो वो आने के बाद में इधर पे मैं अपना फातिहा के लिए सारा खाना वगैरह निकाल ले रही हूँ। जब तक हमारी मौसी भी आ गए बर्तन धोने के लिए। मैंने उनको बोल के रखी थी क्या मौसी शाम को आना बर्तन धोने के लिए, क्योंकि शाम को बर्तन ज़्यादा निकलेंगे। तो बेचारे टाइम पर आ गए, जैसे ही मगरिब के अजान हो गई उसके बाद में वो आके अपना काम करने लगे, मैं अपना काम करने लगी, है ना। तो यहाँ पे फातिहा वगैरह होने के बाद में तुम्हारे भाई और बच्चे लोग चले गए कब्रिस्तान। वीडियो निकाला वहाँ पे नहीं, नहीं निकाला था ना। तो सर हाँ इन दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बरकत अता फरमा। या अल्लाह अनवर भाई अनवर भाई की बेहतर पापा, या अल्लाह इन दोनों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमा। ऐ परवरदिगार अलम, तू अपनी करम के मुताबिक आज की रात जो शब बेदारी की रात है, या अल्लाह नवाफिल की रात है, बा बरकत वाली रात है, आज की रात की फैजान से इन सबको मालामाल फरमा दे। ऐ परवरदिगार अलम, जिसके दिल में जो तमन्ना आरज़ू मकसद उसे पूरा अता फरमा, हर मुश्किल को आसान फरमा दे। या अल्लाह नीकियों में बरकरी अता फरमा, जो खता लगिश हुई उसे माफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस न्याज़ फातिहे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। الله تبارك وتعالى في شان النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد. तो चलिए यहाँ पर हमारी फातिहा हो चुकी है। आप लोग बताना हमारा रवा कैसा लगा, हमारी ताहरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हम लोगों ने सबके लिए दुआ किए, सारी आवाम के लिए दुआ की, अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, सबको खुश रखे और सबकी हर बला हर परेशानियों को दूर करे, है ना। तो चलिए अभी अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी, और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर।